दोस्तों, इंग्लैंड और इंडिया का चल रहा है सेकंड टेस्ट मैच चेन्नई के स्टेडियम में, और रोहित शर्मा ने जमा दिया है शतक। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रोहित शर्मा की धमाकेदार बल्लेबाजी एक बार फिर से हमें देखने को मिली। दोस्तों, इस साल अभी तक भारतीय कोई भी खिलाड़ी ने शतक नहीं जमाया था, और रोहित शर्मा ने अपने तमाम क्रिटिसिज्म को पीछे छोड़ते हुए सेंचुरी बना दी है। दोस्तों, रोहित शर्मा ने इस दूसरे टेस्ट मैच में तेज तर्रार अपनी 50 पूरी की और 47 बॉल पे 50 बनाए थे, लेकिन दूसरे सेशन में दोस्तों रोहित शर्मा थोड़ा सा धीमा हुए और 130 गेंदों पर शतक अपना पूरा कर लिया, और दोस्तों नर्वस 90s में वो आके थोड़ा सा स्लो हो गए थे, लेकिन रोहित शर्मा ने फाइनली 103 रन अब तक बना लिए हैं। ये खबर दोस्तों अपलोड तक की हम बात कर रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, शुभमन गिल आज आते ही आउट हो गए और भारत को पहला झटका मात्र शून्य पर ही मिल गया था, और चेतेश्वर पुजारा के साथ रोहित शर्मा ने 85 रन की साझेदारी की और दोस्तों चेतेश्वर पुजारा ने 21 रन बनाए, लेकिन उसके बाद दोस्तों विराट कोहली कुछ भी नहीं कर पाए और दोस्तों शून्य पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने मिलकर एक बार फिर से पारी को संभाल लिया है दोस्तों, और अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या अजिंक्य रहाणे भी अपनी पारी को अर्धशतक और शतक में बदल पाएंगे या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज रोहित शर्मा की जो पारी है क्या वो दोहरा शतक बना पाएंगे या नहीं? रोहित शर्मा दोस्तों आज शुरू से ही अटैकिंग मोड में दिखाई दिए हैं और 14 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं। हालांकि दोस्तों दूसरे सेशन में थोड़ा सा वो धीमा पड़े हैं, लेकिन टेस्ट मैच के लिहाज से ये काफ़ी तेज तर्रार पारी है। रोहित शर्मा ने आते ही दोस्तों आज अटैक शुरू कर दिया था। पहला विकेट गिरने के बाद भी रोहित शर्मा रुके नहीं थे, और दोस्तों उन्होंने हर गेंदबाज को अच्छे से चार्ज किया है और दोस्तों अच्छी खासी धुनाई की है उन्होंने स्पिनर्स की भी। ये मैदान पूरे तरीके से दोस्तों घुमावदार गेंदबाजों का है, लेकिन रोहित शर्मा की बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी दिख रही है। हालांकि रोहित शर्मा थोड़ा सा हड़बड़ाए दोस्तों 97 रन के स्कोर पे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। तो दोस्तों आपको क्या कहना है, बनेंगे आज 200 रोहित शर्मा के या नहीं, हमें कमेंट में बताएं, और सब्सक्राइब करें दोस्तों देखो देखो और भी अपडेट जानने के लिए।